हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी। अक्सर क्या होता है, जब हम फ्राई कर लेते हैं, एक मिनट के लिए भी अगर छोड़ देते हैं कटलेट्स को, तो बिल्कुल सौगी से और नरम से पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊँगी जिससे आपके कटलेट्स एक घंटे के लिए भी अगर आप छोड़ देंगे तो आपके ये कटलेट्स नरम और सौगी नहीं होंगे, बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी बने रहेंगे। और साथ ही साथ आप इसे एक महीने के लिए भी फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका मन हो तो आप इसे निकालिए और इसे फ्राई करके खा लीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेंगे वेजिटेबल कटलेट्स। वेजिटेबल कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, साथ ही मैं इसके ऊपर एक छन्नी रख दी है बड़ी सी। एक कप लिया है मैंने यहाँ पे पोहा। पोहा को अच्छी तरह से धो लेंगे, आप चाहे तो इसे नल के नीचे भी धो सकते हैं। पोहा को अच्छी तरह से धोने के बाद आपको इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है सॉफ़्ट होने के लिए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद हमारे पोहा अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है। तो इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और निकालने के बाद आपको इसे हाथों से इस तरह से मसलते हुए इस पोहा को सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए पोहा हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इतना ही सॉफ्ट आपको पोहे को कर लेना है। तो पोहे को आप साइड में रख देते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने एक पैन, पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसमें ऐड किया है 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा आपको इसमें ऐड करने हैं 4 से 5 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई। लहसुन को ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। तो इसमें ऐड करेंगे आधी बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को भी हल्का सा पिंक पिंक सा कर लेना है, ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे। प्याज हमारी अच्छी तरह से पिंक हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने लिया है फ्रोज़न कॉर्न, फ्रोज़न मटर, बारीक कटी हुई बीन्स, बारीक कटी हुई गाजर। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। सारी सब्जियों को ऐड करने के बाद ऐसे मिक्स करके 1 मिनट के लिए ढक के पका लीजिए। आपको इसे सारी सब्जियों को 50 से 60% कम पकाना है, पूरी 100% नहीं पकाना है। तो ये देखिए सब्जियाँ हमारी 50-60% पक चुकी हैं। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, साथ ही मैं ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही मैं ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं ऐड किया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। बस मसाले इतने ही ऐड करने हैं और सारी सब्जियों के साथ मसालों को मिक्स करके अच्छे से 1 मिनट के लिए इसे भी भून लेंगे मसालों को, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए मसाले हमारे 1 मिनट तक भून चुके हैं। ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि मसाले हमारे जल जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 उबले हुए आलू, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिए थे। आलू को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इन सारी सब्जियों के साथ आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे आपको बिल्कुल स्लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। सारे आलू को सब्जियों के साथ मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए सारे आलू को मैंने सब्जियों के साथ मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए मिक्स करते करते आपको 1 मिनट तक पका भी लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमारे आलू सब्जियों में मिक्स हो चुके हैं और पक भी चुके हैं। तो अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं पोहा बाइंडिंग के लिए, क्योंकि आलू बहुत स्टार्च होता है। तो ये पोहा हमारे आलूओं में अच्छे से बाइंडिंग दे देगा। तो इस तरह से तोड़ के हम इसके अंदर पोहा ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पर पोहे से बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। तो पोहे को भी आलू में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से मिक्स करते हुए चलाते हुए 1 मिनट तक आपको इसे भी पका लेना है। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग एकदम बन के बिल्कुल रेडी है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और ये देखिए कितनी कलरफुल दिख रही है हमारी स्टफिंग। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे सारी स्टफिंग को, और निकालने के बाद आपको इसे 1 मिनट के लिए साइड में छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गर्म गर्म में हम इस कटलेट्स नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए 1 मिनट बाद हमारी स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो अब हाथों में हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लीजिए और इसे
छोटे छोटे से आपको बॉल्स ले लेने हैं, जितने बड़े आप कटलेट्स बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज में कटलेट्स बनाए हैं, आप चाहे तो इसे गोल या फिर किसी भी शेप में बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने इसे गोल शेप में बनाया है, ये देखिए टिक्की की शेप में, और थोड़ी थोड़ी सी बड़ी बनाई है, आप चाहे तो छोटी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप गोल गोल सारी टिक्कियाँ बना लीजिए, कटलेट्स बना लीजिए। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं फ्रीज़र में 1 महीने के लिए, तो आप इसमें लहसुन और प्याज की जगह आप लहसुन का पाउडर और प्याज का पाउडर आता है, आप वो ऐड कीजिएगा, लहसुन और प्याज मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसे ऐड करने से आप इसे सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको सारे कटलेट्स बना लेने हैं। तो सारे कटलेट्स मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 चम्मच ये है मैदा, और इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगी। और मिक्स करने के बाद आपको हल्का हल्का पानी ऐड करके एक आपको स्लरी बना लेनी है, बिल्कुल लम्स फ्री स्लरी बनानी है, लम्स बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहने चाहिए। तो हल्का हल्का पानी ऐड कीजिएगा और इसकी एकदम गाढ़ी सी स्लरी बना लेनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनानी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी पतली आपको स्लरी को बनाना है। तो ये देखिए इतनी गाढ़ी आपको स्लरी बनानी है। ये देखिए चम्मच के पीछे जब मैं इस तरह से कर रही हूँ तो ये देखिए कोट हो रहे चम्मच। तो इस तरह से आपको स्लरी बना लेनी है। अब इस स्लरी को हम साइड में रख देंगे। तो अब मैं वो सीक्रेट चीज़ ले रही हूँ जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, जिससे आपके कटलेट्स 1-2 घंटे तक बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बने रहेंगे। तो ये है हमारा कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं ना, रॉ कॉर्नफ्लेक्स, ये वो हैं जिसे मैंने मिक्सी जार में ऐड करके हल्का सा क्रश कर लिया था। तो अब जो कटलेट्स हमने बनाए हुए थे उसे हम इस तरह से जो हमने स्लरी बनाई थी इसमें डिप कर लेंगे, और डिप करने के बाद इसमें कॉर्नफ्लेक्स जो हमने रेडी किए थे मिक्सी जार में हल्का सा आपको पीस लेना है, दरदरा सा कर लेना है। कॉर्नफ्लेक्स में हम इस कटलेट्स को कोट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ब्रेड क्रम्स में यूज़ करने से आप जैसे ही फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए रख देते हैं कटलेट्स को, तो आपके सौगी से और नरम से हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स का यूज़ करते हैं तो आपकी जो कटलेट्स है ना इतने ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी क्रंची बनेंगे कि आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे इसी तरह से बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ये आसानी से कॉर्नफ्लेक्स मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको सारे कटलेट्स कोट करके रख लेने हैं। तो ये देखिए सारे कटलेट्स को मैंने इस तरह से कोट करके रख लिया है। अब इस चाहे तो आप इसे फ्रीज़र में 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जब आपका मन करे तो आप इसे निकालिए और इसे फ्राई करके खा लीजिए। तो मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर जितने मेरे पैन में कटलेट्स आ सकते हैं तो मैंने इसमें 2 कटलेट्स ऐड किए हैं, और ऐड करने के बाद आपको इसे हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए नीचे से एकदम कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेना है। जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर अच्छी तरह से आ जाएगा तो आपको इसे ऑयल से बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची दिख रहे हैं, और कलर भी इसका बहुत ही प्यारा सा आ चुका है गोल्डन ब्राउन। तो अब इस कटलेट्स को हमें निकाल लेना है। तो इसी तरह से आपको सारे कटलेट्स बना लेने हैं, और ये आप इसे 1-2 घंटे के लिए अगर बाहर छोड़ भी देते हैं तो भी आपके ये एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनी रहेंगी, बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगे। आप चाहे तो इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कैसे आपको टेस्ट भी इसका अच्छा आएगा और ये सौगी भी नहीं होंगे। तो इसी तरह से मैं सारे बना के रेडी कर लेती हूँ। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल ना भूलिएगा मेरी इसी तरह की न्यू लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।